गुना में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा गिरद में 30/9/2022 की रात को चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। विद्यालय में लगे ताले तोड़कर विद्यालय में चार कमरों में लगे चारों पंखे निकाल कर ले गए चोर एवं प्रयोगशाला का सामान सारी सामग्री चोरों ने नष्ट कर दी। विद्यालय का भृत गुलाब अहमद जब विद्यालय खोलने के लिए आया तो दरवाजे खुले देखकर उसे लगा कि विद्यालय में चोरी हो गई है। सभी कमरों के ताले टूटे पड़े हुए थे। अज्ञात चोरों ने पहले भी इस विद्यालय में चोरी को अंजाम दिया है, जिसमें बिजली के सभी उपकरण एवं ट्यूबवेल की मोटर पाइपलाइन सहित पानी की टंकी की चोरी की गई थी। विद्यालय द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मैं स्कूल में खोल के ऑफिस का ताला खोला, जो ताला लग रहा था, और हमारे स्टाफ रूम का भी ताला लगा हुआ था, उसे भी खोला और गेट देखे तो उसमें लात मार के गेट खुले हुए हैं। ताले लगे हुए हैं, ताले वैसे वैसे लगे। अच्छा, निकालना ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाई। एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर और चार नंबर और लैंप का तीनों चारों ताले खुले मिले। उसमें क्या हुआ है कमरों में? कमरों में पंखे चले हैं, पंखे चारों पांच चार कमरे में से पंखे गए हैं। हाँ, चारों कमरों में पंखे। और कुछ? बस पंखे लैंप। हाँ, लैंप पे। और क्या क्या बताया वाला? और जे चीज़ें गई हुई हमारी। तुम्हारा क्या नाम है? गुलाम अहमद। कौन से जगह है जी स्कूल? जी कौन से गांव में स्कूल है जी? बरखेड़ा के। अच्छा, कौन सा स्कूल है? हाई सेकेंडरी स्कूल। हाई सेकेंडरी स्कूल। और लैंप भी खुला मिला है। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है? मुझे समझ लो 8-10 हज़ार रुपये नुकसान। पंखे चले गए सारे हैं। जो बच्चे हवा में बैठ के पढ़ते थे शांति से, अब वो ऐसे ही बैठे होंगे? ऐसे ही बैठे हैं बिना पंखे। चलो ठीक है। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।